हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, काइमेटिक्स की सीरीज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिफॉर्म मोशन का, वो हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो डीपली हम स्टडी करेंगे काइमेटिक्स के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैथमेटिकल टूल्स की वीडियोज़ ख़त्म करवाई हैं। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको बेसिकली आना चाहिए, ज़्यादा डीपली नहीं कह रहा मैं, मतलब उतना बेसिक आना चाहिए जितना हमने करवाया है, क्योंकि उन सभी मैथमेटिकल टूल्स यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज काइनेमेटिक्स सीरीज में होगा ही होगा। इसी वजह से मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पहले करवाया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स सीरीज। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है यूनिफॉर्म मोशन का, तो देखिए काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब हम इसमें निकालेंगे। इन्हीं चीज़ों को निकालने के लिए हम काइनेमेटिक्स की हेल्प लेते हैं। एक्चुअली में काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ। यानी जितने भी मैंने वेरिएबल्स बताए हैं, यानी काइनेमेटिक्स के अंदर जो जो वेरिएबल्स मैंने बताए हैं कि इफ़ ए बॉडी मूव देन उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सेलरेशन, किस प्रकार की वेलोसिटी, किस प्रकार की स्पीड, ये सब वेरिएबल्स काइनेमेटिक्स के होते हैं और इन्हीं सब को एक्सप्लेन करने के लिए हम काइनेमेटिक्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि काइनेमेटिक्स के वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज स्पीड, हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब एक वेरिएबल्स हैं कुछ एक काइनेमेटिक्स में जो हम यूज करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है काइनेमेटिक्स सीरीज का, वो रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डीपली स्टडी करेंगे इनके ऊपर, मेन न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और बेसिकली न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट काइनेमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक। यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, नाइन्थ क्लास में आप पढ़ के आए हो डिस्टेंस क्या होता है। नॉर्मली बता रहा हूं, द डिस्टेंस नहीं कह सकते हो कि द लेंथ है ना, कवर्ड बाय द पार्टिकल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये आप पढ़ के आए हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल दे रखा है बुक में, वही मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। ए से बी की ओर हमें जाना है, अगर ए से बी की ओर जाऊं, अगर मैं स्ट्रेट पाथ कवर करता जाऊं, या मैं ऐसे जाऊं, या मैं ऐसे ऐसे करता जाऊं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डिस्टेंस तो तीनों ही है, डिस्टेंस तो तीनों ही है, क्योंकि तीनों में लेंथ कवर्ड हो रही है, पार्टिकल मूव करता जा रहा है, अलग अलग पाथ यहाँ पे मैंने बनाया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। नंबर टू, तो याद रखना नंबर टू तो क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, एंड वन टू थ्री ऑल ऑफ आर डिस्टेंस ऑल्सो। ये डिस्टेंस तो है ही है, बट ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, यानी ये तीनों के तीनों पाथ डिस्टेंस हो सकते हैं बट तीनों पाथ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट यानी जहां से आपने चलना स्टार्ट किया है और फाइनल पॉइंट मतलब आपका जो टारगेट है जहां पे आप पहुंचोगे, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप ये बात और ये बात क्लियर हो गई होगी इस एग्जाम्पल के जरिए। याद रखना जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं होगा। डिस्टेंस नेवर बी स्मॉल एज कंपैरिजन टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो डिस्कस हो जाएगा बहुत सारी चीजों का। मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ये इस तरीके से पाथ है, यहां एक बॉडी है और उसको यहां पे पहुंचना है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। तो सिंपल सी बात है, अगर वो डिस्टेंस यहां से जाएगा फिर ऐसे मुड़ेगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे मुड़ेगा फिर ऐसे जाएगा, हर एक पाथ में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। मान लीजिए ये 20 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा जोड़ दोगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा डायरेक्शन क्या थी, तो डायरेक्शन तो हर एक पाथ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस होता है एक स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं बट डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। इसी केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइक दिस। अब आपसे पूछा जाए क्या इसका मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है, आप इसको इजीली मेजर कर सकते हो। क्या आपसे पूछा जाए डायरेक्शन है, बिल्कुल डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन। याद रखना डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्यों इसकी एक डायरेक्शन होती है जो कि फिक्स होती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ कवर करती है हमेशा, और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। क्लियर, तो यहां पर दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए, डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्वांटिटी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट। सिंपल सी बात है, देखो डिस्टेंस को किससे मेजर करोगे आप, या तो किलोमीटर से मेजर करोगे, मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको भी यही है तो लेंथ ही है, तो लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ही, ये भी है और ये भी है, बट ये शॉर्टेस्ट है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है और सेंटीमीटर भी हो सकती है। क्लियर है, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो आपको मालूम है लेंथ का डायमेंशनल क्या होता है, एल, और सेम है यार एल। डिस्टेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी शो करेगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एज वेल एज जीरो एज वेल एज नेगेटिव। अब ये कहोगे आप सर ये जीरो और नेगेटिव का मतलब क्या है, तो ये आपको अभी न्यूमेरिकल्स में क्लियर हो जाएगा। जीरो के बारे में मैं आपको बता देता हूं, अगर पार्टिकल जहां से चलना स्टार्ट करता है और अपना पाथ कवर करके वापस उसी पॉइंट पर लौट आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्या बताया मैंने, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाओगे, यानी आपका इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उस समय, जीरो। गुड, चलिए आगे चलते, अब हम कुछ एक इसके मेनली यही था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ कदम बढ़ाते हैं और फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट पहला लिया, मान लीजिए कोई भी एक मिनट चलिए यही कर लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल यहाँ पे था ए पॉइंट पर और वो रोटेट होता होता यहाँ पर आ गया बी पॉइंट पर,
तो हमने पूछा कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यानी ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये आपको मालूम है रेडियस है दोनों, तो ये डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे बड़ा इजी हो जाएगा, ये ए बी क्या बन जाएगा, दिस इज आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर एंड ए बी हेयर दिस इज टू आर स्क्वेयर दैट इज अंडर रूट टू आर। आंसर बहुत ही सिंपल सिंपल से ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स होंगे। यहाँ पे दूसरा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे। सेकेंड वन हम आपके लिए लाए हैं like this, this is point A and this is point B, find distance and displacement, दोनों ही चीजें पूछी हैं इन्होंने। तो देखिए डिस्टेंस पूछा है, ए से चला और बी तक पहुंच गया, ए से चला और बी पर आ गए, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी मटेरियल, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो आपको मालूम है यहां से चलकर यहां जाने के लिए आउट बाउंड्री ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज द हेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल मान लीजिए, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के बाहर बाहर की दूरी सर्कमफेरेंस कहलाती है, हाफ सर्कल उसने कवर किया है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा उसका, पाई आर। मान लीजिए यहां से यहां तक इसका रेडियस कितना है, आर। तो डिस्टेंस तो सीधा सीधा निकल जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट ए ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक बॉडी चली है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इसमें फाइंड आउट करवाऊं तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सो ए से बी की तरफ ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ए से चल के यहां तक ये क्या हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए यहां से चला यहां तक, दिस इज ए डायमीटर आर रेडियस, तो ये भी आर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टू आर। और अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, अब आपसे पूछा जाए रेशियो निकालिए, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की रेशियो कितनी हो जाएगी, दैट इज पाई आर अपॉन टू आर, दैट इज पाई बाई टू। आंसर क्लियर, बहुत ही सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है, आप नोट डाउन कर सकते हो, बाकी नोट्स में भी मिल जाएंगे आपको ये। थर्ड वन पे आते हैं, यहां पे एक क्यूब है, इसको इस तरीके से ठीक है, और इन्होंने बोला है ए से चलकर बी तक गया है, यहाँ दिस इज, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है और यहाँ पर वो गया है ऐसे, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस, यानी क्यूब की जो साइड है वो गिवन है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, अगर आपसे चलो डिस्टेंस पूछा जाए, तो डिस्टेंस तो बड़ा सिंपल सा हो जाता है बच्चों, डिस्टेंस तो क्या होगा, ए ए और ए, तो कितना हो जाएगा ये, ए प्लस ए दैट इज 3a। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए ना, तो मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, सो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ए से बी, और इसी को बोलते हैं डायगनल, ये क्यूब का डायगनल होता है, ठीक है। जैसे ए पॉइंट अगर यहाँ पे है तो वो बी पॉइंट है, तो ये डायगनल है, बात हो रही है, पार्टिकल यहां से गया और यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दिस इज द डायगनल ऑफ क्यूब। और डायगनल ऑफ क्यूब का मैथ में, एक टेंथ क्लास के मैथ में आता था कि डायगनल का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, हमेशा याद रखना, दैट इज 3a। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है, ज्यादा पजल करने की जरूरत नहीं है। टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा मैथ, नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन होते हैं ये, क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अंडर रूट रूट 3a। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है,
ऐसे ही क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। यस, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ए और ये बी है, ये रेडियस है और पार्टिकल ए से चलकर बी तक आया है, एंगल बना रहा है 120 डिग्री, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका लाइक दिस। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इन क्वेश्चंस को निकालने का एक तरीका होता है, मैं आपको यहां पे प्रूव भी करवाता हूं इन क्वेश्चंस को निकालने का। वैसे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 2r sin थीटा बाई 2, इसका आंसर क्या आएगा 2r sin थीटा बाई 2। किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, मैथ के अंदर ही अप्लाई किया जाता है। सेक्टर सेगमेंट, माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट, ये आपने पढ़े हैं 10th क्लास के मैथ में, मेंसुरेशन एरिया ऑफ सर्कल के चैप्टर में। तो मैं यहाँ पे प्रूफ करवा रहा हूँ, चलो आपको याद नहीं भी हो तो किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो, तो अलग से देखिए इसका प्रूफ। एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, तो मैंने दोनों रेडियस को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है यहां पे, क्योंकि टेल से टेल जुड़ रही है। एंगल कब बनता है दो वेक्टर के बीच में, जब टेल से टेल जुड़ रही है, तो मैंने दोनों वेक्टर रेडियस को एज ए वेक्टर एज्यूम किया और दोनों की टेल से टेल जुड़ा के 180 डिग्री का एंगल बना दिया। और ये क्या है, दिस इज द डी, ये क्या है डी, इस डिस्टेंस को मैंने डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लाइन, यहां पे देखिए साफ तौर पे सेम ऑर्डर में कौन से दो वेक्टर हैं, सेम ऑर्डर में कौन से दो वेक्टर यहां पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये और ये दोनों सेम ऑर्डर में है। इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको मैं R2 मान लेता हूं। R1 और D वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, याद आया कुछ, एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R1 वेक्टर प्लस D इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो D कितना हो जाएगा यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर। मोड अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, मोड ले लेते हैं चलो, तो देखिए सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कितना आता था, आपको याद है हमने एडिशन भी करवाया था सब्ट्रैक्शन भी करवाया था। तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड का रिजल्ट कितना आता था, R1 का स्क्वेयर R2 का स्क्वायर माइनस 2R1R2 cos थीटा, कुछ याद है। इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हमें मालूम है कि R1 और R2 दोनों इक्वल है, दोनों रेडियस का ही काम कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R2 प्लस R2 माइनस 2R.R cos थीटा, ये कितना बन जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट R2 और R2 2R2 माइनस 2R2 cos थीटा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2R2 1 माइनस cos थीटा एंड 2R2 1 माइनस cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बन रहा है यहां पे, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, ये होता है 2 sin square थीटा बाई 2। ये आप याद कर लीजिएगा, ऊपर मार्जिन में लिखते जाया करो, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे नए नए फॉर्मूले बनते जाएंगे। मैथ्स का यूज ज्यादा होता है काइनेमेटिक्स में। अब देखिए जरा इसका क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 बनकर आएगा, R2 अंडर रूट से बाहर आएगा तो R बनेगा, और साइन स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बनेगा साइन थीटा बाई 2। तो ये रिजल्ट देखे और ये रिजल्ट देखे हमने प्रूव कर दिया है। तो याद रखना अगर इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए आपसे तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना आप 2R sin थीटा बाई 2।
प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने वैसे ही समझाया है आपको, ठीक है, आप इसको याद कर लेना अगर इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे जाएं तो। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके के ही पूछे जाते हैं। चलिए वो कहता है, मैं एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, वो डायग्राम रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ये जीरो है, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 -10, -20, -30, -40, -50 इस तरीके का एक डायग्राम गिवन है। एक पर्सन है वो खड़ा है, यानी आप खुद हो, आप खड़े हो -20 पॉइंट पोजीशन पे, आप यहाँ पे खड़े हो, हंस रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे खड़े हो और आप चले हो। ए बॉय स्टार्ट मूविंग फ्रॉम -20 मीटर टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ही टर्न एट द टाइम डिस्टेंस t2, ठीक है। जब आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो आपका टाइम है t1 और आप है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए, और आप मूव करते करते कहाँ तक पहुंचे हो, क्या बोला गया है कि मूव करते करते बंदा पहुंचा है t2 टाइम पर, यस 40 पे यहां पर पहुंच गया, और ज्यादा खुश हो गए यहां से यहां टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आप चले, और यहां पर टाइम कितना है t2 हो गया, कुछ समय बीत लिया भैया, आप चले तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट हुआ, आप वहां पहुंचे तो टाइम हो गया आपका t2, यहां पर पोजीशन थी तो t1 आपका टाइम पीरियड था। फिर क्या बोला उन्होंने, उसने फिर वो चलकर -50 पर आ गया, फिर आपने क्या कहा, नहीं मैं तो वापस जाऊंगा, वापस चलते चलते वो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है, और यहां से चला ऐसे, याद रखना डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पे, यहां पहले ऐसे गया फिर ऐसे आया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए, यही पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पे। चलिए फॉर t1 to t2 and t2 to t3 यही बोला है, सॉरी t1, इसको सॉल्व करें, देखते हैं, यहां पे था, यहां गया, यहां से पहले बार t1 से t2 का केस कर लेते हैं, t1 से t2 के केस में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस यहां से यहां गया डिस्टेंस कितना हुआ, ये -20 तो नेगेटिव में है, यहां से 10 मीटर 20 30 40 50 60, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, टोटल 60 मीटर वो चला है, तो डिस्टेंस तो सीधा सीधा आ गया भाई, -20 से 40 के पास गया है वो, तो डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल 60 मीटर हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, -20 वो पीछे खड़ा है, जीरो तक जाने के लिए उसको 20 मीटर चलना पड़ेगा, और जीरो से फिर 40 मीटर और आगे गया है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया उसका 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बोला था, ए से चलकर यहां तक गया है वो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यहां क्या है 40 इनिशियल टू फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा सोचो जरा, 40 और टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहां पे, इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, फाइनल पोजीशन ये है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा बच्चों, वही 60। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर होगा, लेकिन लेस देन नहीं होगा, यहाँ पे दोनों चीजें क्या है इक्वल आ रही है हमारी। अब हम करते हैं टी वन
टू टी थ्री का केस डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। टी वन ये रहा, ऐसे गया और ऐसे आया, 60 मीटर चला और ये कितना बन गया, अरे बाप रे 40 ये और 50 ये, 90 ये और 60 ये, तो ये हो जाएगा 90 मीटर प्लस 60 मीटर 150। ऐसे ही बोला, टी वन से टी थ्री की बात हो रही है यहाँ पे, टी वन से टी थ्री की बात हो रही है यहाँ पे, ये टी थ्री है तो टी वन से पहले तो वो टी टू पे गया है, ये कितना है 60 मीटर और ये कितना है यहाँ पे पूरा 90 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 150 मीटर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, इनिशियल ये था टी वन और कहाँ जा रहा है टी थ्री, तो इधर आने की जरूरत नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सीधा सीधा ये हिसाब हो जाएगा हमारा, ठीक है। कितना होगा, माइनस 20 से माइनस 50 की तरफ गया है तो माइनस 50 माइनस माइनस 20 दैट इज माइनस 50 प्लस 20 माइनस 30 मीटर। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है, इस तरीके से नेगेटिव आ सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत सिंपल भी है, कुछ नहीं है। डिस्टेंस अगर पूछे तो सीधा सीधा कर दो, कुछ सब देखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस तो टोटल पाथ होता है, टोटल लेंथ होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में बोला है टी वन से टी थ्री गया, टी वन से टी थ्री, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, तो यहाँ से यहाँ तो माइनस 50 माइनस माइनस 20 कितना आया माइनस 30 मीटर। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बेसिक चीजें इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब पता है इस, ये तो हो गया बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, अब मैं आपको कुछ एक बेसिक डेफिनेशन और बता देता हूँ जो बुक में दे रखी है, वरना आप कहोगे सर ने ये नहीं करवाई, बीच बीच में से उठा रहे हैं टॉपिक्स, ठीक है। जब आप बुक में देखोगे तो स्टार्टिंग होगी रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। तो इस चैप्टर में देखो रेस्ट क्या होता है, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। रेस्ट बॉडी कब कहलाएगी, ये एक बॉडी, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन, कब, व्हेन बॉडी टाइम के साथ साथ अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, अगर ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है मेरे हाथ पे और मैं कल आकर देखूं, अगर मुझे ये यहीं पर मिले, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि ये मार्कर रेस्ट में है। ऐसे ही अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट में कहलाती है। मोशन क्या होता है, जब बॉडी चेंज कर दे ना, चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है दैट इज मोशन, वो मोशन में है। फिर आते हैं सिंपल सिंपल चीजें, मोशन क्या, मोशन आ गया, अब रेक्टिलिनियर मोशन आता है, रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर आता है सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी क्या होता है, जो बॉडी अलोंग सर्कल ट्रेवल करे अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग अबाउट कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, ट्रेवल करती है, दैट इज सर्कुलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन अलग होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है कि जो अपने पाथ के अलोंग एक्सिस के रोटे, वैसे तो देखिए ये देखा जाए कि सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है, तो सर्कुलेटरी मोशन होता है अलोंग ए सर्कल ट्रेवल करना, और रोटेटरी होता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मूव करना, ठीक है। तो सर्कुलेटरी इस तरीके से होता है, और आता है ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, लाइक ए पेंडुलम, लाइक ए पेंडुलम ऑफ वॉच, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे की तरफ, यानी जो बॉडी अपने पोजीशन को रिपीट करती है इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मैं 11 बजे यहाँ पे आया, मैंने काम करवाया, अगले दिन फिर से सही 11 बजे मैं यहाँ पे आया, फिर से मैंने काम करवाया, ऐसे डे वाइज सही 11 बजे मैं आपको यहाँ पे अगर मिलता हूँ
तो मैं कैसा मोशन कर रहा हूँ, मैं लाइक ओसिलेटरी मोशन कर रहा हूँ, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मैं फिर से अपनी पोजिशन को रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, तो दैट इज ओसिलेटरी मोशन। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है काइनेमेटिक्स की सीरीज में, मोशन होते हैं तीन प्रकार के, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वन डायमेंशन अलोंग स्ट्रेट पाथ, ठीक है, तो हर एक चीज़ पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो आज मैंने पढ़ाया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, न्यूमेरिकल्स करवाए, बढ़िया थ्योरी हो गई, सब कुछ हो गया, इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। सो आप इसको कर लेना, नोट्स बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएंगे आपके पास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।